कुंजन सक्सेना पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएएफ ने सीबीएफसी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि जो गुंजन सक्सेना में वायुसेना की छवि दिखाई गई है वो जो है इमेज खराब करती है वायुसेना की, और इस फिल्म पे जो है इन सीन्स को एडिट किया जाए, डिलीट किया जाए। अब जो है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उनकी अध्यक्ष, जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग को बंद किया जाए और मेकर्स जो हैं वो जवाब दे कि इस तरह की इमेज को क्यों दिखाया गया है। तो लगातार जो है आईएएफ की जो इमेज फिल्म में दिखाई गई है उस पर आपत्ति जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस तरह जो इमेज दिखाई गई वो बिल्कुल भी सही काम नहीं किया है करण जौहर ने। कंगना ने भी कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद आर्मी परिवार से हूँ, जिस तरीके की पापा जो यानी कि करण जौहर ने फिल्म में इमेज दिखाई है वो बहुत ही गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये सारा पीआर ड्रामा अगर शुरू हो जाएगा तो मैं भी वीडियो बनाकर इस फिल्म का रिव्यू करूंगी और बता दूंगी कि इस फिल्म में क्या क्या जो है गलत किया गया है। तो इस तरह गुंजन सक्सेना जो है फिल्म वो बहुत ज़्यादा चर्चाएं बटोर रही है, विवादों में आ रही है अपने उन सीन्स के कारण जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के जो अफसर हैं वो एक महिला अफसर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसे किस तरह का भेदभाव करते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं। अब महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर ऐसा है तो फिल्म मेकर को माफी मांगनी चाहिए और स्ट्रीमिंग को बंद कर देना चाहिए। हमारे सुरक्षा बलों की खराब छवि क्यों दिखाई जा रही है जबकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि असली गुंजन सक्सेना को सामने आकर वास्तविकता बतानी चाहिए कि क्या उनके साथ ऐसा लैंगिक भेदभाव हुआ था। रेखा शर्मा दरअसल खुद आर्मी परिवार से है, संबंध रखती हैं सैन्य परिवार से, और सुरक्षा बलों की छवि बिगाड़ने को उन्होंने भी अपराध माना है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है आईएएफ के जो प्रवक्ता है उन्होंने आगे आकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमें जो है करण जौहर ने फिल्म रिलीज से पहले दिखाई थी, हमने तब भी जो है मांग कर दी थी कि इसमें से कुछ सीन्स डिलीट होने चाहिए, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किए, उस फिल्म को जो है उन्हीं सीन्स के साथ रिलीज कर दिया, जो वाकई में काफी उन्हें हर्ट करने वाला है कि जब आपको पहले बता दिया गया था कि इन सीन्स को डिलीट करना है तो क्यों नहीं डिलीट किया गया। उसके बाद गुंजन सक्सेना का एक पूरा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है कुछ जगहों पर क्रिएटिव लिबर्टी लेती है, और उन्होंने ये भी बताया कि जिस दौर में वो आई थी वो दौर ऐसा था जब शुरुआती दौर था, जब समाज में चेंजेस आ रहे थे तो कुछ अफसर ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, कुछ को थोड़ा समय लगा था। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बयान दिया था कि मुझे जो है अपने सभी सीनियर्स का सपोर्ट मिला था, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, और ये भी कहा था कि मुझे बहुत सपोर्टिव थे और जो मेरे सुपरवाइजर थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया, इंस्पायर भी किया। तो गुंजन सक्सेना का बयान जो है उस समय आया था जब आईएएफ ने सीबीएफसी को लेटर भेजा था, और अब जो है महिला आयोग भी आगे आई है और उन्होंने कहा है कि ये जो है फिल्म इसकी स्क्रीनिंग बंद होनी चाहिए क्योंकि जो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से फीमेल्स को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जिसको हम कहेंगे कि लैंगिक भेदभाव जो दिखाया गया है, उसको लेकर उन्होंने भी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग बंद होनी चाहिए। तो इस तरीके से लगातार जो है गुंजन सक्सेना पर लोगों का अगर मैं कहूँ तो गुस्सा जारी है। पहले आईएएफ ने लेटर लिखा, कंगना ने भी बताया, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसको लेकर आवाज उठाई है।